तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आज डेट है 28 और आज हमारा आ रहा है मोशन का नहीं, मतलब एलन और मोशन दोनों का ही रिजल्ट। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ एलन और मोशन के बारे में। एलन और मोशन कोचिंग्स हैं। कोचिंग्स मतलब जैसे अगर आप IIT नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर बाद में करना है तो उसके लिए पहले से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर नहीं देते तो दिक्कत क्या हो जाती है, फिर जब आप एडमिशन लेते हो कोचिंग्स में तो आपको पूरी जितनी भी फीस होती है उनकी पूरी भरनी होती है। लेकिन जैसे अगर मैंने एसेट का जो एलन का एग्जाम है मोशन का एग्जाम है वो दे दिया तो उससे क्या होगा, मेरे को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो स्कॉलरशिप मिलती है आपको जिस हिसाब से आपका पेपर आता है उसमें जितने भी मार्क्स आते हैं। तो वो मैंने दोनों का ही पेपर दिया है, एसेट भी दिया है मतलब एलन का, और मोशन का भी दिया है। उसका मोशन का ही है, उसका ऐसा कुछ नाम नहीं है। तो दोनों की मैंने स्कॉलरशिप एग्जाम दिए, तो आज दोनों के रिजल्ट है और दोनों का ही रिजल्ट आ चुका है। तो देखते हैं मेरी कितनी क्या रिजल्ट आता है, कितना मतलब कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे मैं अगर आपको एक रफली बताऊं तो जैसे अगर आपको 10% स्कॉलरशिप मिली है तो टोटल उसकी फीस है वो एक साल की 125,000। तो 10% का मतलब है आपका मतलब 12,500, 20% का मतलब 25,000। तो इस हिसाब से आप अपन बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कितनी क्या मेरे को स्कॉलरशिप मिली है। सबसे पहले देखते हैं एलन का, उसके बाद देखेंगे फिर मोशन का। रेट तो निकल आएगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं बताऊं कि ये क्या होता है, मेरे को डर सा लग रहा है क्योंकि देखो फीस तो बहुत है उसकी। अगर एक लास्ट ऊपर रहती है अपनी स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाए तो एक वो हो जाता है, वरना क्योंकि फीस तो जान हो जाती है ना, 1.5 लाख मतलब 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 लास्ट ऊपर रहती है स्कॉलरशिप। अब देखते हैं यार क्या होता है। मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, आप जो भी हो। ये एलन का, सबसे पहले एलन की देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है। ये टेस्ट डेट था 26 तारीख को दिया था मैंने। एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना नाम, उसके बाद ये निकल आएगा। डिटेल्स फिल कर दिए हैं, केवल मेरे को इस पर सबमिट पर क्लिक करना है और आ जाएगी मेरी इसकी स्कॉलरशिप कितनी भी मिली है। मिली भी है कि नहीं मिली, जरूर थी ना कि मिली जाए, देखता हूँ अब जो भी है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार दो हैं, दोनों में से किसी एक में भी 30% तक आ जाए। दो में से किसी, यार एलन में आ जाए 30% या मोशन में क्या बोलते हैं, दोनों में से किसी में भी 30% तक आ जाए तो सही हो जाएगा। बस देखते हैं एलन में कितनी आती है। कर दिया मैंने क्लिक, बस लोड हो रहा है। यार एलन में तो सही नहीं मिली स्कॉलरशिप, कम है एलन की। तो एलन में तो मतलब जितनी मैं सोच रहा था उससे तो कम है, मतलब अब मैं क्या ही रिएक्शन करूँ, उसमें क्या ही रिएक्शन हुआ है। एलन की तो यार कम है स्कॉलरशिप, और उसमें एक चीज़ और दिक्कत है कि मतलब भाई मैं बता दूँ कितनी है स्कॉलरशिप फिर बताऊँगा एलन की स्कॉलर। इसकी शर्ट बंद करता हूँ सबसे पहले। तो एलन की स्कॉलरशिप है मेरी, ये देखो 15%, ये 15% स्कॉलरशिप मतलब समथिंग 18,000 रुपये समथिंग स्कॉलरशिप है इसमें एलन में। लेकिन वो ठीक है, लेकिन यार पेपर अच्छा गया था, लेकिन मैं 15% तो मैं नहीं सोच रहा था। मैं मतलब हाँ मैं सोच रहा था 30% तो तक तो मिल ही जाएगी, लेकिन 50% तो यार कम है। मेरा अच्छा गया था पेपर, ऐसा नहीं था मेरा अच्छा ही गया, सच में अच्छा गया था मेरा पेपर, क्योंकि 15% तो कम है यार। 15% में कुछ जाना वो नहीं होगा, 15% मतलब 18,750 रुपये कम हो जाएगी, मतलब जो फीस हो जाएगी मेरी टोटल वो 1,06,000 रुपये कुछ हो जाएगी, 25,000 से 1,06,250। हाँ अब देखते हैं अब यार क्या बता सकता हूँ इसमें। नहीं तो मेरा पूरा मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाले सीन हो गया। इतना मैं नहीं सोच रहा था ऐसे, मतलब मैं सोच अच्छा सोच रहा था मैं कि 15 क्या यार 30 तक मिल जाएगी आराम से। अभी मतलब एसेट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया जितना मैं खुश हूँ, क्योंकि वो खुशी का कारण कुछ और है कि मैंने उसका रिजल्ट देख रहा था मैं एसेट का, और मैंने सोचा एसेट के बाद में देखूँगा मोशन का रिजल्ट कि ईमेल आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ईमेल नहीं भेजा, मेरे को मैसेज भेजा। तो मैं क्या कर रहा, ये वाला फ़ोन मेरे साइड, ये वाला फ़ोन जिसे मैं शूट कर रहा हूँ वो रखा था, तो उस पर एक मैसेज आता है मोशन से क्या ना, मैंने ये नहीं सोचा था उस रिजल्ट ही भेज देंगे डायरेक्ट, मैं सोच रहा था रिजल्ट भेजेंगे मैं शूट करूँगा तो देखते हुए, लेकिन मैंने क्या क्लिक करा उस पर उन्होंने रिजल्ट ही भेज दिया, और रिजल्ट एक मैसेज था, वो मैसेज देख के वाला पूरे मतलब सब कुछ चेंज हो गया। मैं जो सोच रहा था मतलब मैं सोच रहा था 30% स्कॉलरशिप मिल जाए बहुत है मेरे लिए, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि यार कितनी स्कॉलरशिप मिली है। मैंने ये मैसेज आया था मेरे इस वाले फ़ोन पे, अब उसको मैंने इस पर वो कर दिया फॉरवर्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी मैंने नीचे घर पर किसी को बताया नहीं है कितनी क्या मिली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कितनी मिली है स्कॉलरशिप मोशन में। मैसेज मैंने अपने इस वाले फ़ोन में सब कुछ सेंड फॉरवर्ड कर दिया। सबसे पहले एक बार आप सोचो मेरे को कितनी मिल सकती है मैं खुद नहीं सोच सकता था, अरे क्या हो गया, मैं खुद नहीं सोच सकता कितनी मिल सकती है मेरे को। देखते हैं आप, देखो हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा अंकल, यू हैव अर्न 65%
5% आएंगे स्कॉलरशिप बाय टेकिंग पार्ट इन मोस्ट, बाकी फिर वो बोल रहे हैं कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा, वो तो ठीक है ले यार, लेकिन 65% बहुत होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 65% मिल जाएगी मेरे को। 65% मान लो तुम कि 84,000 मतलब ऑफ हो गए मेरे 84,000 लाइक, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कभी कभी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, वो मेरा पहली बार हुआ, मैं से आता 65% वाह 65% मान ले 84,000 85,000 जैसे आपकी टोटल फीस है तो आपको केवल 40,000 भरनी पड़ेगी, बाकी मतलब पूरी ऑफ हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप से कट जाएगी। मतलब पता एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना ज्यादा खुशी हूँ, अभी तो मैंने घर पर किसी को बताया नहीं है, अब देखते हैं माँ को बताता हूँ सबसे पहले। रिजल्ट के बाद में कुछ ऐसा था कि हाँ यार अब क्या होगा 15% से, लेकिन इसका तो यार मतलब एकदम से फिर से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दोबारा से वही दिन हो गया। अब मेरे से मोशन वालों से मेरी बात हुई अभी, वो बोल रहे हैं कि एक वो और होगा आपका भी इंटरव्यू क्या ना, उसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह ही पूछेंगे आपसे, उससे मतलब आपकी स्कॉलरशिप बढ़ भी सकती है, बेस्ट तो इतनी रहेगी लेकिन अगर आपने अच्छा दिया तो बढ़ भी सकती है, तो वो इंटरव्यू और दूंगा। और हमें फीस है मोशन की वो है 1,25,000 और अगर उसको 65% निकालें तो वो होता है 81,250 और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ मतलब 125,000 माइनस 81,250 तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है मतलब जितनी फीस मेरे को भरनी है वो है 43,750 तो मतलब 65% समथिंग इतना होता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं इस टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूँ लेकिन मैंने बना दी फिर आज, तो वीडियो कैसी थी मेरे को बताना कमेंट करके जरूर, और अब जो भी होगा इंटरव्यू वगैरह में क्या होगा जो मेरे से फ़ोन पे बोल रहे थे वो मैं बताऊँगा अगले ब्लॉग में, जिसका भी ब्लॉग होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊँगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और बेल आइकन को भी दबा देना, वरना फिर कोई मतलब नहीं रहता चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर बेल आइकन नहीं दबाते तो। इस वीडियो में इतना ही था, बाय। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।